मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतेरतः करणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तुत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादि देवी खजारा अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज के, पूजन निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के, ज्येष्ठ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के, बोले पूज्य श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी मुनिराज की। आप लोगों जिनका इंतजार कर रहे थे, हम लोग भी इन दोनों मुनि महाराज, ज्येष्ठ मुनि महाराज जी का इंतजार उतने ही बेसब्री से कर रहे थे कि कब महाराज श्री की आगवानी करने का सौभाग्य आप श्रावकों के साथ साथ हम तीनों मुनि महाराज जी को भी मिलेगा। ज्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, जब 2004 में आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई उसी दयोदय परिसर में तिलवारा घाट में, जहाँ ईश्वर का चातुर्मास आचार्य भगवान कर रहे हैं, तो चतुर्मास में ही हम लोगों की दीक्षा हुई। और दीक्षा के पहले सबसे पहले जो सानिध्य मिला महाराज श्री के साथ ही रहने का सानिध्य, हमें पूज्य प्रणम सागर महाराज जी के साथ रहने का ही सानिध्य मिला। आचार्य भगवान ने तो हमें दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, लेकिन पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जब संस्कृत व्याकरण की बात आती है तो महाराज जी के मुख से हमने संस्कृत भी सीखी है, और जो मंगलाचरण हमने किया सर्वप्रथम उस ग्रंथ का स्वाध्याय भी महाराज श्री के मुख से ही, जिन स्तुति ग्रंथ है, स्तुति विद्या ग्रंथ आचार्य समंत भद्र स्वामी जी का लिखा हुआ है, तो महाराज श्री के मुख से ही सुनने का सौभाग्य और सीखने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य महाराज श्री से ही मिला। तो जैसे हमारे दीक्षा गुरु पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी हैं, तो आगम में आता है शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, तो शिक्षा गुरु निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी तो है ही, और एक तरीके से पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी भी हमारे शिक्षा गुरु, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में रह करके बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। 2017 में जब हांसी में थे, सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों से बिछड़ने के पश्चात ज्येष्ठ महाराज श्री प्रणम सागर जी और चंद्र सागर महाराज जी का संयोग मिला, और महाराज श्री के नेतृत्व में ही वह हांसी का पंच कल्याणक हुआ, और संयोग कुछ ऐसा बढ़ता गया कि गुरुदेव साथ साथ हम दोनों संघों का विहार कराते रहे, और उसके पश्चात राजस्थान की यात्रा भी साथ साथ हुई, और फिर पहला चतुर्मास हरियाणा में हुआ, हम लोगों का चतुर्मास हासी हरियाणा में हुआ, और महाराज श्री का चतुर्भी रेवाड़ी हरियाणा में ही हुआ। उसके पश्चात ऐसा संयोग हुआ कि दोनों संघ दिल्ली में साथ साथ प्रवेश किए, और महाराज श्री का संघ का चतुर्मास दिल्ली रोहिणी में हो गया, और हम लोगों का चतुर्मास दिल्ली एनसीआर में ही हुआ था। भले ही वो सूर्यनगर यूपी में आता है, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर कहलाता है, और उसके पश्चात चतुर्मास यूपी की धरा सहारनपुर, और महाराष्ट्र का चतुर्मास मेरठ में हुआ, और हम लोगों का चतुर्मास सरधना, और महाराष्ट्र का चतुर्मास मुजफ्फरनगर, और कुछ ऐसा संयोग बढ़ता चला गया, जो दूरियां दूर थी वो निकट होते गए, और इस बार का सौभाग्य आगरा में ही मिल गया। कुछ आप लोगों की भक्ति का प्रताप, कुछ आप लोगों की भावना का फल ऐसा हुआ कि आप लोग जो भावना को भा रहे थे उसी भावना का फल हम मुनि महाराज को भी प्राप्त हो गया।
देखो दुनिया में सब कुछ मिलना बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, लेकिन सबसे दुर्लभ यदि कोई होता है ना, सारे आगरा वालों से कह रहे हैं, विशेषकर परिषद वालों से कह रहे हैं, सबसे दुर्लभ होता है तो सच्चे गुरु का सानिध्य मिलना सबसे दुर्लभ होता है। यदि वह सानिध्य मिल जाए तो समझ लेना हमारा जीवन तर जाएगा, और वह सानिध्य नहीं मिले तो जैसे अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे हैं, भविष्य की भी यात्रा ऐसी ही चलती चले जाएगी। अब आगरा वालों आपका पुण्य जागा है, पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पांच पांच मुनि महाराज का सहयोग मिल रहा है, तो इन सच्चे गुरु को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना, मान लेना, और उनकी बातों को भी मान लेना। और जो व्यक्ति उनकी बातों को मान लेगा उसका कल्याण बहुत जल्दी बहुत शीघ्र हो जाएगा, और जो व्यक्ति संदेह करता रह जाएगा अथवा परीक्षा करता रह जाएगा अथवा सोचता रह जाएगा अथवा इंतजार करता रह जाएगा, अभी तो बहुत लंबा समय है, चतुर्मास तो बहुत लंबा होता है, हम तो कभी भी जाकर के लाभ प्राप्त कर लेंगे, कभी भी जाकर के शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, कभी भी जाकर के कुछ सीख लेंगे, वो अंत तक सिर्फ इंतजार ही करता रहेगा। और जब दीपावली निष्ठापन का कार्यक्रम आ जाएगा फिर वह सोचेगा अरे चतुर्मास इतने जल्दी बीत गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब जीवन में बहुत अच्छा अच्छा होने लगता है तो वो अच्छा अच्छा इतनी जल्दी निकल जाता है, हमें स्वयं ज्ञात नहीं हो पाता। और आप लोग स्वयं महसूस करोगे इतना अच्छा जो समागम है, आप कह अवश्य रहे हो कि चतुर्मास का लाभ मिला है, लेकिन ये चार दिन में ही ऐसे बीत जाएंगे और आप बाद में पछताओगे और बाद में आश्चर्य व्यक्त करोगे, अरे इतने जल्दी महाराज जी का चतुर्मास पूर्ण हो गया। तो आप लोग बाद में ना पछताओ, बाद में इंतजार ना करना पड़े, तो इस बात को अपने हृदय में धारण कर लें, क्योंकि दोनों ही ज्येष्ठ महाराज श्री पूज्य प्रणम सागर महाराज जी और पूज्य चंद्र सागर महाराज जी, देखो चंद्र सागर महाराज जी का जो अनुभव है वो एक अलग ही प्रकार का अनुभव है, ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, तो उस अनुभव की शिक्षा को अवश्य प्राप्त कर लेना, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्री जो हैं गुणों के भंडार हैं। जो साधु तो गुणी होते ही हैं, लेकिन ये दोनों ही महाराष्ट्री विशेष गुणों के भंडार हैं। और जो व्यक्ति अपने गुणों को बढ़ाना चाहता है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है, जो हमें गुणी मिले हैं हम उन गुणियों की भक्ति करना प्रारंभ कर दे। और यदि गुणी की भक्ति भीतर से होने लगे, विनय भाव से भर करके होने लगे, भले ही आपको शाब्दिक ज्ञान हो अथवा ना हो, लेकिन आंतरिक कल्याण तो बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं समस्त आगरा वालों के लिए, अपने आंतरिक कल्याण की भावना भाना, इनके दर्शन ही करोगे तो दर्शन करने से विशुद्धि अपने आप बढ़ने लगेगी, भले ही महाराज श्री कुछ बोले अथवा ना बोले, क्योंकि महाराज श्री का नेचर थोड़ा रिजर्व नेचर वाले हैं महाराज, महाराज जी जल्दी नहीं खुलते, लेकिन जो इनकी भक्ति करने लगेगा वो समझ जाएगा, फिर वो अंतरंग से खुल जाएंगे। तो आपको यदि कुछ पाना है तो भक्ति करना सीखना होगा, और जब भक्ति का प्रताप ऐसा होगा कि आप स्वयं चमत्कारित हो जाओगे, स्वयं देखते रह जाओगे कि हमें स्वयं नहीं पता चला इतना जल्दी हमारा विकास हो गया। तो ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी जो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी महाराज जी माने जाते हैं, क्योंकि अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वो कहलाता है जो हमेशा ज्ञान और ध्यान में लगे ही रहते हैं, तो महर्षि ज्ञान में भी लगे रहते हैं और अरहम योग रूप ध्यान में भी लगे रहते हैं। और जो तपस्वी का जो लक्षण होता है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, तो जो विशेष गुण बताए हैं ज्ञान और ध्यान, ऐसे ज्ञान और ध्यान के धनी, योग के धनी, चारित्र के धनी, वात्सल्य के धनी, दोनों ज्येष्ठ महाराज श्री आप सभी लोगों को और हम सभी लोगों को मिल रहे हैं, तो अपने सौभाग्य को और अकीदी बढ़ाते जाए। जैसे पीएम प्रदीप जी कह रहे थे परम सौभाग्य नहीं है, महापरम सौभाग्य है। जब आपने कहा महापरम सौभाग्य है तो उस परम सौभाग्य को और महानता में ढालना पड़ेगा, तब यह आपकी बात सिद्ध होगी। बस इतना ही कहना अभी पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।